hello learners welcome back to my youtube channel in this video i am going to start a very new chapter of class 7th ncit science i am going to explain you each line of this chapter that is acid bases, and salt so let's get started we use our daily life a large number of substances such as lemon turmeric common salt sugar and vinegar हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लेमन है टर्मा है कॉमन सॉल्ट है शुगर है एंड सीन बिनेगर बिनेगर जो कि सिरका को बोलते हैं डू दे हैव सेम टेस्ट क्या उनका सबका सेम टेस्ट होता है लेटस्ट रिकॉल टेस्ट ऑफ सब एडिबल सब्सटेंसेज लिस्टेड इन टेबल फाइव तो इसमें ये बोल रहा है कि एक सबको टेस्ट को टेस्ट करके याद कीजिएगा और सब जो लिस्ट में ये फाइव में दे रखा है और उनके टेस्ट को याद कीजिएगा इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी वन ऑफ एनी ऑफ दीज these टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन द टेबल पॉइंट फाइव पॉइंट वन अगर आपने किसी को टेस्ट नहीं भी किया है अगर पहले तो इसको टेस्ट कीजिए और इस फाइव पॉइंट वन में उसके टेस्ट को बताइए कि वो खट्टा है वो कड़वा है या मीठा है किस टाइप का है वो उसका टेस्ट किस तरीके का था वो सब इसमें यहाँ मैंशन करना है ठीक है ये एक एक्टिविटी है आपके लिए बट कॉजन भी है मतलब बताया भी गया है कि डू नोट टेस्ट एनी थिंग अनलेस टू डू सो कोई भी और ऐसी चीज़ मत खा लीजिएगा जो आपको नहीं बताई गई है यहाँ पर या ऐसी कोई भी चीज़ मत छू लीजिएगा डोंट नॉट टच एनी थिंग अनलेस आस्क टू डू सो अगर जो चीज़ आपको नहीं करने को बोला गया है वो ऐसा कुछ नहीं कर देना सिर्फ यही जो इसमें मैंसनड है सिर्फ उन्हीं को ईट करके आपको देखना है और उनका टेस्ट यहाँ पर मैंशन करना है ठीक है यू फाइंड दैट सम ऑफ दि सब्सटेंस टेस्ट सॉर सम टेस्ट बिटर एंड सम सॉल्ट टेस्ट इज स्वीट एंड सम समेस्ट सॉल्टी तो हम लोग जब इन लोग इनको जब टेस्ट करेंगे हम लोग इन सब्सटेंसेस को जब टेस्ट करके देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि कुछ इनमें से मीठे हैं कुछ कड़वे हैं कुछ खट्टे हैं और कुछ नमकीन हैं मतलब सब ये सब के सब जो सब्सटेंसेस हैं उन सबका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है तो वैसे यहीं से अपने टॉपिक की शुरुआत होती है जो कि एसिड एंड बेसिस के बारे में बताएगा तो वैसे शुरुआत करते हैं अपना वेरी फर्स्ट टॉपिक जैसे एसिड एंड बेसिस ठीक है तो स्टार्ट करते हैं कर्ड लेमन जूस ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट और सोल्ट तो हम लोग जानते हैं कड़ का और लेमन जूस मतलब कि जो नींबू का जो जूस होता है नींबू का रस होता है ऑरेंज जूस संतरे का रस और ये जो विनेगर होता है जिसको शिरका बोलते हैं ये सारे के सारे खट्टे होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं खट्टे होते हैं दिस सबस्टेंसेज टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स इनका टेस्ट खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्या होता है एसिड होता है एसिड की प्रेजेंस की वजह से ये सारे के सारे कैसे टेस्ट को देते हैं खट्टा टेस्ट देते हैं तो द केमिकल्स द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक तो इन सारे के सारे जो सब्सटेंस जो खट्टा टेस्ट दे रहे हैं इन सारे का केमिकल का नेचर कैसा होता है एसिडिक नेचर होते हैं ये सारे, सारे के सारे एसिडिक नेचर होते हैं द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड एकर बिच मीन्स सौर और ये जो एसिड बर्ड है वो भी एक एकर नाम के वर्ड से आया है जिसका मतलब ही होता है खट्टा या सौर ओके तो द एसिड इन दीज सबस्टेंस आर नेचुरल एसिड और क्योंकि ये सारे के सारे खा हम लोग खा सकते हैं इनको ईट कर सकते हैं इनका टेस्ट को हम लोग ले सकते हैं तो इसलिए ये सारे के सारे नेचुरल एसिड ही हैं तभी हम लोगों को कोई हार्म नहीं पहुंचा पा रहे हैं इसीलिए हम लोग इनको नेचुरल एसिड्स भी बोलते हैं व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर क्या ये भी खट्टा स्वाद देता है जब खाते हैं हम लोग इफ नॉट अगर नहीं तो फिर इसका टेस्ट कैसा होता है तो ठीक है जब हम लोग बेकिंग सोडा होता है सिंस इट डज नॉट हैव टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा नहीं होता है किसका बेकिंग सोडा का टेस्ट खट्टा नहीं होता है तो इसलिए हम लोग इसको एसिड नहीं बोल सकते हैं एसिड सारे के सारे एसिड वो होते हैं जो खट्टा टेस्ट देते हैं सॉफ्ट टेस्ट देते हैं बट बेकिंग सोडा क्या यहाँ पर खट्टा टेस्ट नहीं देता है सॉफ्ट टेस्ट नहीं देता है इस वजह से हम लोग इसको एसिड नहीं बोल सकते इट इज़ बेटर इन टेस्ट ये टेस्ट में कैसा होता है कड़वा होता है मतलब कि टेस्ट इसका कैसा होता है कड़वा होता है इफ़ यू रव दिस सॉल्यूशन ऑन योर फिंगर्स इट विल फील सोपी अगर आप इसको जब बेकिंग सोडा को अपनी उंगलियों में लेंगे और उसको रब करेंगे मतलब एक दूसरे को रिगड़ के देखेंगे उसमें और जब सॉल्यूशन आपकी उंगलियों के बीच में होगा तो आप जनरली पाएंगे जनरली सब्सटेंसेस लाइक दिज आर बेटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नॉन एज बेसिस तो जो, जो सब्सटेंसेस कड़वा टेस्ट देते हों जो बेटर इन टेस्ट होते हो और क्या हो करते हो जब उंगलियों में उनको उनको रब किया जाए तो एक सोपी फील दे रहे हो सोपी टच दे रहे हों वो सारे के सारे सब्सटेंसेस कैसे होते हैं बेसिस होते हैं और द नेचर ऑफ दिस सच सब्सटेंसेज आर इन बेसिक तो इनका जो नेचर होता है वो बेसिक इन नेचर होते हैं ये लोग ठीक है तो ये जो सब्सटेंसेज कैसे होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस अगर हम क्योंकि हम लोग हर चीज़ को नहीं टेस्ट कर सकते ना हर चीज़ को नहीं मुंह में अंदर डाल के देख सकते हैं क्योंकि वो हार्मफुल भी हो सकती है हमारे लिए कुछ खराब भी चीज़ हो सकती है तो हाउ डू बी फाइंड इट्स नेचर तो फिर हम उसका नेचर को कैसे पता कर पाएंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है तो स्पेशली स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर इज एसिडिक और बेसिक तो इसीलिए एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है देखने के लिए कि ये सबस्टेंस एसिडिक है या बेसिक है दीज सबस्टेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर्स और इन्हीं सारे सब्सटेंसेस को हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं ठीक है तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि हम लोग हर हर चीज़ को टेस्ट नहीं करके देख सकते हैं ना तो इसलिए हम लोगों के लिए एक एक सबस्टेंस बनाया गया एक आर्टिफिशियर बोल सकते हैं एक सबस्टेंस है जो कि एसिडिक और बेसिक होने का पता लगाता है और इसी सब्सटेंसेज को हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं और ये इंडिकेटर्स नेचुरली भी हो सकते हैं या मैन मेड भी हो सकते हैं तो दीज इंडिकेटर्स चेंज इन कलर व्हेन दे आर एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड एंड एंड बेसिक सॉल्ट तो क्या होता है जब ये इंडिकेटर्स होते हैं ये अपना कलर को चेंज करते हैं कब जब इनको एसिडिक में या बेसिक सबस्टेंसिस में इनको पुट किया जाता है मतलब ये जैसे इसको अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाला गया या एसिडिक सब्सटेंस के पास लाया गया तो ये अपना कलर को चेंज करेगा जिससे पता चल जाएगा कि हाँ ये एसिडिक है या ये जब बेसिक के सब्सटेंस के क्लोज आएंगे या कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये अपना कलर को क्या करेंगे चेंज करेंगे जिससे ये पता चल जाएगा कि ये बेसिक इन नेचर है ठीक है तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं टर्मेरिक्स लिटमस चाइना रोज पीटल जिसको हम लोग गुडैल बोलते हैं एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स तो ये जो टर्मेरिक हल्दी है और ये लिटमस पेपर होता है लिटमस एक पेड़ से पाया जाता है एक पेपर होता है और ये चाइना रोज़ रोज होता है पीटल पीटल यानी कि गुड़हल का जो फूल होता है ये सारे के सारे नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं यानी कि इनको जब हम लोग एसिड या बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे या बोल सकते हैं इनको एसिड या बेस के कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो ये अपने कलर को क्या करेंगे चेंज करेंगे जिसकी मदद से हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो सबस्टेंस है वो एसिडिक के नेचर है या बेसिक के नेचर है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब क्या यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है कि किस चीज़ में किस किस चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है तो डू यू you नो know, एसिडिक एसिड किस में पाया जाता है विनेगर में मतलब जो सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है फॉर्मिक एसिड चीटी के स्ट्रिंग में यानी कि आंट्स स्ट्रिंग जिससे आंट डंक मतलब काटती है तो उसको बोलते हैं आंट्स स्ट्रिंग ठीक है सिट्रिक एसिड जो जो खट्टे खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है जैसे कि जैसे कि ऑरेंज है लेमन है एक्सेट्रा जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है लैक्टिक एसिड हमें पता है कर्ड में मिलता है कर्ड में लैक्टिक एसिड मिलता है और जो ऑगजेलिक एसिड होता है स्पाइनच स्पाइनच में मिलता है और मेलिक एसिड एक मेलिक एसिड होता है जो एप्पल्स में पाया जाता है एप्पल्स में यहाँ पर नहीं मैनसिड है पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेलिक एसिड होता है वो एप्पल्स में पाया जाता है और जो ऑगजेलिक एसिड है स्पाइनच में पाया जाता है और एक्सट्रोविक एसिड जो जिसमें विटामिन सी होता है वो खट्टे खट्टे फ्रूट्स में जैसे कि आंवला सिट्रस फ्रूट्स वही जो सिट्रिक एसिड था वही यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है विटामिन सी और टाक्ट्रिक एसिड टर्मेरिन में ग्रेप्स में अनराइप मैंगो जो कच्चे आम होते हैं उनमें और टर्मेरिन में और ये ग्रेप्स में पाया जाता है टाक्ट्रिक एसिड ठीक है दिस ऑल आर मैंसन अबाउ अकर नेचर और देखिए ना ये सारे के सारे फ्रूट्स को हम लोग खा सकते हैं तो यहाँ पर क्या है ये नेचुरली अकरिंग एसिडिस एसिड्स हैं तो ये नेचुरल में ही पाए जाते हैं अब हम लोग बेस के बारे में सीखते हैं तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सी ए ओ एच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये लाइम वाटर में मिलता है यानी कि सफ़ेद पानी ये चूना पानी बोलते हैं इसको उसमें पाया जाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये विंडो क्लीनर जिसको विंडो को साफ़ करने के लिए जो विंडो क्लीनर होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में जिससे हम लोग अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है उसमें ये भी एक बेस है हमारी बॉडी पर क्या होता है एसिड होता है और हम लोग बेस का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जो सारा का सारा जो गंदगी है वो रिमूव हो जाए इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में मिलता है यानी सोप में मिलता है मैगनीजियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मेगनीजिया में मिलता है जो कि एसिड को रिमूव करने के लिए जो पेट में जो एसिड हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए या उससे रिलीफ पाने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है तो ये मिल्क ऑफ मैगनीजिया में पाया जाता है ठीक है अब नेचुरली इंडिकेटर्स अराउंड अब हमारे आसपास कितने नेचुरल इंडिकेटर्स हैं इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया आज दो सबस्टेंसेज बिच चेंजेस कलर वेन इट पुट इन टू द एसिड और इट इट पुट इन टू द बेसिस जब एसिड और बेस के पास या उसमें लाए जाते हैं तो ये अपने कलर को चेंज करते हैं तो ये इन्हीं को हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं अब यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर की बात की गई है नेचुरल इंडिकेटर का मतलब होता है जो हमारे आस पास पाए जाते हो नेचर में पाए जाते हो तो लिटमस है एक नेचुरल डाई है डाई मतलब जिसमें कलर चेंज किए ठीक है।, है तो लिटमस के बारे में पढ़ते हैं द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज करी जाने वाली इंडिकेटर है वो लिटमस है इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचिन ये लिचिन नाम के पेड़ से एक्सट्रैक्ट की जाती है इट हैज़ ए पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर और इसका कलर कैसा होता है पर्पल कलर की होती है ये जब डिस्टिल्ड वाटर में होती है वैन एडिड टू एसिड सॉल्यूशन और जब इसको एसिड सॉल्यूशन में किया जब लिटमस पेपर को एसिड सॉल्यूशन में पुट किया जाता है इट टर्न्स रेड तो उसका कलर कैसा हो जाता है रेड जब लिटमस पेपर को या लिटमस सॉल्यूशन को जब एसिड में पुट किया जाता है तो ये अपना कलर रेड रेड में चेंज हो जाता है एंड वैन एंड वैन इट एडिड टू द बेसिक सॉल्यूशन इट टर्ंस इंटू ब्लू और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में पुट किया जाता है तो ये इसका कलर कैसा हो जाता है ब्लू कलर का हो जाता है ठीक है इट टर्न्स इंटू ब्लू इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सो सॉल्यूशन और इन अ फॉर्म ऑफ स्टिप ऑफ पेपर ये दो फॉर्म में मिलता है एक तो सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है जो कि पर्पल इन कलर होता है और एक स्ट्रिप ऑफ पेपर पेपर की स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी मिलता है नोन एज लिटमस पेपर और उसी को हम लोग लिटमस पेपर कहते हैं जनरली इट इज़ अवेलेबल इन ब्लू एंड ग्रीन लिटमस रेड लिटमस पेपर और ये लिटमस पेपर रेड और ब्लू कलर में प्राप्त होता है ये ये रेड लिटमस पेपर है और ये ब्लू लिटमस पेपर है ये दोनों लिटमस पेपर हैं जो कि हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है और जब जो सॉल्यूशन हो जब हम इसको पुट करते हैं तो जब एसिड होता है तो ये किस में चेंज होता है रेड इन कलर में और जब बेस होता है तो ये ब्लू इन कलर में चेंज हो जाता है ठीक है यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो दिखाई गई है ये आप लोग अच्छे से पढ़िएगा खुद से समझ में आएगी और यहाँ पर एक और नई एक्टिविटी है टर्मेरिक एज ए नेचुरल इंडिकेटर टर्मेरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है पर वो कैसे है उस किस तरीके से वो भी हम लोग इसमें एक्टिविटी में समझेंगे तो ये आप लोग खुद से पढ़िएगा क्योंकि ये यह एक्टिविटी यहाँ पर इसके रिकॉर्ड को भी मेंशन करना है यहाँ पर टेस्ट सॉल्यूशन अफेक्ट ऑफ रेड लेटमिस पेपर ऑफ ब्लू लेटमिस पेपर तो ये आप लोग खुद से लेबोरेटरी में परफॉर्म कीजिए अपने टीचर से करवाइए जो क्लास में पढ़ाते हैं व लोग इसको अच्छे से परफॉर्म करके दिखाएंगे आपको लेबोरेटरीज़ में यानी कि लैब्स में ठीक है तो आगे बढ़ते हैं ये चाइना रोज़ एज ए इंडिकेटर चाइना रोज को भी इंडिकेटर की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी देखना तो ये सारे के सारे ये यहाँ पर टेस्ट सॉल्यूशन दे रखे हैं और उनका टर्मेटिक सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो सारा का सारा यहाँ लिखना है ठीक है तो ये सब कुछ लेबोरेटरीज एक्टिविटीज़ हैं और इनको परफॉर्म ही करना होगा इसलिए ये आप लोग खुद से परफॉर्म कीजिए अपने टीचर से लेबोरेटरीज़ में स्कूल के टीचर से परफॉर्म करवाइए यहाँ पर एक्टिविटी नंबर फाइव पॉइंट फोर है वो भी एक ऐसी एसिड एक ऐसी एक ही एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म होनी है और जिसको लेबोरेटरीज़ में ही परफॉर्म कराया जा सकता है और मैं वैसे भी एक्टिविटीज़ को स्किप ही कर देता हूँ क्योंकि एक्टिविटीज़ को करने में ज़्यादा अच्छा लगता है खुद से पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा आप लोगों को अगर आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो ठीक है तो सीधे आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन क्या आप एसिड रेन के बारे में जानते हैं हैव यू एवर ही अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन क्या आपने कभी उसके जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट्स हैं एसिड रेन के उनके बारे में सुना है एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड द एसिड रेन एक ऐसी बारिश एक ऐसी वर्षा जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड हो यानी कि बहुत ज़्यादा एसिड की मात्रा प्राप्त हो उस पानी में उस बारिश में तो उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम तो फिर ये एसिड जो पानी में आ रहा है जो बरसात में आ रहा है वो कहाँ से आता है तो द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इन टू द एयर एज पॉल्यूटेड तो जो हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं जो गाड़ियों का पॉल्यूशन है जो हम लोग जो फैक्ट्रीज़ का पॉल्यूशन है और जो बहुत सारी पॉल्यूशन हम लोग इंडिया जो हम लोग जमीन पर कर रहे हैं वो सारा का सारा पॉल्यूशन जो उड़ उड़ के जो हवा है वो बादलों में पहुँच जाती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा तो ये सारा का सारा क्या मिलकर बना देता है कार्बनिक एसिड बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है और निट्रिक एसिड बना देता है जिससे कि एसिड रेन हो जाती है तो ठीक है क्या होता है अब लेकिन अब इसके क्या क्या प्रभाव है एसिड रेन के कॉज डैमेज ऑफ बिल्डिंग्स तो जब एसिड रेन होगी तो बिल्डिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है हिस्टोरिकल मोनोमेंट्स जो हिस्टॉरिकलो मोनूमेंट्स जैसे कि ताजमहल है ताजमहल का कलर येल्लो हो गया क्योंकि एसिड रेन की वजह से एंड प्लांट्स एंड एनिमल अफकोर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि जब बिल्डिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पर बहुत कर रहा प्रभाव पड़ रहा है तो फिर इंसान और जानवर कहाँ ही बचेंगे कॉजन ग्रेट केयर शुड बी टेकन बाई हैंडिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस बिकॉज दीज आर क्रोजिव इन नेचर इरीटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्निगिन तो कभी भी आप लोग जब लेबोरेटरीज में परफॉर्म कर रहे हो तो एसिड और बेस को बहुत ही ज़्यादा सावधानी से उनको हैंडल कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रोजिव इन नेचर होते हैं जैसे एक बूंद अगर आपके हाथ पर या कहीं भी गिरेगी तो वो उसको पूरे का पूरे स्किन को हार्मफुल कर देगी यानी कि जला देगी और बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग फील कराएगी आपको ठीक है तो ये कॉजन है और इससे आप लोग बच के रहिएगा टीचर जब आपके सामने प्रेजेंट हो तभी किसी एसिड या बेस को छूएगा लेबोरेटरी में या टीचर को ही परफॉर्म करने दीजिए आप सिर्फ उसको देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या क्या रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ठीक है तो डेमोस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ थ्री इंडिकेटर्स ऑन दिस सॉल्यूशन रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन और जो हम लोगों ने ऊपर जो नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े हैं उनके क्या क्या इफेक्ट हैं इन सॉल्यूशंस पे उन उनको देखिए और ऑब्जर्व कीजिए और अपनी टेबल में लिखिए वही टेबल है अब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन अभी तक हमने एसिड के बारे में पढ़ा एसिड क्या होता है बेसिस के बारे में पढ़ा बेसिस क्या होता है एसिड रेन के बारे में पढ़ा एसिड रेन क्या है अब पढ़ते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के बारे में वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस इन्टू ब्लू तो क्या होता है जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर, कर देता है और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है अस व्हाट हैपन व्हेन एसिड मिक्स विद बेस तो अब देखते हैं कि ऐसा क्या होगा जब एसिड और बेस को मिक्स कर दिया जाएगा एसिड को बेस के साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो वी आर गिविंग गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार इज़ कॉल्ड फेनोथलिन अब हम लोग एक ऐसा इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं जिसका अभी तक हम लोगों ने नाम नहीं सुना था हम लोगों ने सिर्फ टर्मेरिक और रोज चाइना रोज और बहुत सारे इंडिकेटर्स के नाम से ऊपर देखे थे जो कि था बट अब हम लोग एक फेनोथिलिन नाम के एक इंडिकेटर का यूज़ करने वाले हैं जो कि अभी तक आपने नहीं सुना है तो एक्टिविटी यहाँ पर ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसको मैं इसी एक्टिविटी के जरिए आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि वाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वेर एसिड इज मिक्सड विथ बेस तो एसिड को बेस के साथ मिक्स करने पर क्या इफेक्ट आने वाला है वो हम लोग इसमें सीखेंगे तो फिर करते हैं सीधे स्टार्ट फिर वन फोर्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एक चौथाई टेस्ट ट्यूब को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिल करना है नोट डाउन इट्स कलर इसका कलर नोट करना है नोट डाउन द कलर ऑफ फेलाफ्थोलिन फेलाफ्थिलीन सॉल्यूशन का कलर भी नोट करना है आपको एट टू थ्री सोल्यूश टू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स टू द एसिड अब क्या करना है जो फेनाथोलिन का सॉल्यूशन था जो इंडिकेटर था उसके दो तीन बूंदे एसिड में डाल दीजिएगा नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली अब जो टेस्ट ट्यूब है उसको आराम से शेक कीजिएगा मतलब उसको हिलाइए डुलाइएगा डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड क्या आपको कोई भी चेंज इन कलर दिखाई दिया एसिड के अंदर एड द एसिडिक सोल्यूशन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई द ड्रॉपर अब क्या कीजिएगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक नेचर है उसको एसिड में डाल दीजिएगा स्टील द ट्यूब जेंटली अब धीरे धीरे उस ट्यूब को हिलाइएगा उससे स्टील कीजिएगा इस देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन क्या अब कोई कलर चेंज आया कलर में कोई चेंज आया कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई ड्रॉप बाई ड्रॉप बाई स्टीरिंग द टेंगे जस्ट अपियर तो क्या करिएगा कंटिन्यू एडिंग द सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन तो अब धीरे धीरे उसको हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को आप डालते रहिए ड्रॉप बाय ड्रॉप वायल स्टरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर तब तक उसको करते रहिए जब तक पिंक कलर का ऑब्जर्वेशन ना दिखे आपको जब तो तक वो तो पिंक कलर की ना हो जाए वो सॉल्यूशन नाउ एड वन मोर ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब एक ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालनी है वाट डू यू ऑब्जर्व अब हमें यहाँ क्या देखने को मिला द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस तो इससे क्या होगा जो सॉल्यूशन फिर से कलरलेस हो जाएगा अगेन एड वन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अब फिर से एक ड्रॉप हाइड्रोक्साइड की डालिएगा जो कि बेसिक है इस देर एनी चेंज इन कलर द सॉल्यूशन बिकम पिंक इन कलर तो क्या होगा जब हम लोग जब हम लोगों ने इक्वल अमाउंट में एसिड और बेस को डाला था तो कैसा हो गया था पिंक इन कलर का हो गया था पिंक कलर का हो गया था बट जैसे हमने एक बूंद एसिड की डाली तो वो फिर से कलरलेस हो गया बट फिर से हमने एक बूंद बेस की डाली तो वो फिर से पिंक कलर का हो गया तो ये हम लोगों को ये बताना चाहता है इट इज़ एविडेंट दैट अ सोल्यूशन इज बेसिक तो इससे ये पता चलता है कि जब सोल्यूशन बेसिक होता है तो गिव्स अ पिंक कलर तो फेनोथिलीन हमें पिंक कलर देता है ऑन द अदर हैंड वैन द सोल्यूशन इज एसिडिक और जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो इट रिमेंस कलरलेस और ये तो जब एसिड होता है एसिडिक नेचर होता है तो वो कलरलेस हो जाता है तो इससे हमें ये पता चला कि वैन द सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर द फेनोथिलीन बिकम्स पर्पल इन कलर तो पर्पल कलर का हो जाता है जैसे हम लोग उसमें बेस को ऐड करते हैं बट जैसे हम लोग उसको एसिड की फॉर्म में आ जाता है जैसे हम लोग उसमें एसिड ऐड करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है मतलब कोई कलर शो नहीं करता है ठीक है बिना किसी कलर के कोई कोई कलर शो नहीं करता वैन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्सड विथ बेसिक सॉल्यूशन जब एसिडिक सोल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फीचर तो दोनों के दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे का इफेक्ट को मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं मतलब खत्म कर देते हैं यानी कि कैंसिल कर देते हैं वैन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन आर मिक्सड इन सुइटेबल अमाउंट जब एक एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को एक suitable, एक एक पर्याप्त मात्रा में मतलब मिलाया जाता है मिक्स किया जाता है बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डेस्ट्रॉयड तो क्या होता है एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का बेसिक नेचर डेस्ट्रॉय हो जाता है खत्म हो जाता है अपने अपने नेचर को नहीं दिखा पाते हैं जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉन बेसिक तो क्या होता है इससे क्या होता है जो जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ है इन दोनों को ऐड करने के बाद तो वो ना तो एसिडिक नेचर होता है ना बेसिक के नेचर होता है ना मतलब ना तो एसिड ही है ना बेस ही है टच द टेस्ट यू इमीडिएटली और उसको मतलब जैसे ही उसकी प्रोसेस जब हो गई एसिड को बेस में जब मिला दिया तो उसके तुरंत बाद आप उस टेस्ट ट्यूब को पकड़ के देखिए टच करके देखिए आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को आप उसको टच करके देखिए वाट डू यू ऑब्जर्व तो आपको क्या मिलेगा इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज़ प्रोड्यूस्ड और इवोल्व तो क्या होता है इन न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में हमेशा हीट इवॉल्व करती है हमेशा हीट बाहर निकलती है तो जो वो तो जो वो क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होगी वो हमेशा गर्म होगी मतलब जब हीट इवॉल्व हो रही है तो क्या होगा टेस्ट ट्यूब हमेशा कैसी होगी आपकी हीट होगी तो द इवॉल्व ऑफ हीट राइज द टेम्परेचर ऑफ़ द रिएक्शन ऑफ़ द मिक्सचर तो इससे क्या होगा जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा जिससे कि हम लोगों को जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म महसूस होगी इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन के सब्सटेंस में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड सोल्ट सोल्ट और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्ट बोलते हैं यानी कि हम लोग सॉल्ट ही इसको बोलते हैं जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं सैल्ट में भी एसिडिक सॉल्ट एसिडिक नेचर का भी हो सकता है बेसिक नेचर का भी हो सकता है एंड न्यूट्रल इन नेचर और न्यूट्रल भी हो सकता है ना एसिडिक ना बेसिक दैट इज न्यूट्रल दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द फॉलोइंग तो अब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को हम लोग कैसे कह सकते हैं द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नॉन एंड न्यूट्रलाइजेशन जब एक एसिड और एक बेस की जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस तो जब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो सॉल्ट और वाटर का प्रोडक्शन होता है इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में विथ एन इवोल्यूशन ऑफ हीट ऑफकोर्स हीट का इवोल्यूशन भी उसके साथ होगा तो यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है एसिड इज मिक्सड विथ बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर जिसमें हीट इज इवॉल्व और हीट का भी इवोल्यूशन होगा हीट तो जरूर निकलेगी द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल तो यहाँ पर क्या है एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस यानी कि एसिड को बेस के साथ मिक्स कराया गया यहाँ पर प्लस का साइन देखिए तो इससे क्या मिला सोडियम क्लोराइड एन एस सी एल यानी कि ये क्या है सॉल्ट है एंड वाटर एच टू ओ और वाटर है ठीक है तो इससे क्या होगा हमें सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा वाटर मिलेगा ठीक है वजू एडेड डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर अब एक कोई वजू है जिसने सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में ऐड किया मतलब एसिड को बेस में बेस में ऐड किया है तो वेल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल तो ऑफ ऑफकोर्स जब यहाँ न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो जो रिएक्शन है मिक्सचर बनेगा वो हॉट होगा गर्म होगा पकड़ने में गर्म होगा क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हुई है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी लाइफ अब हम लोगों के आसपास हर दिन न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो हम लोग उसको देखते हैं इनजाइजेशन अपच मतलब इंडाइजेशन की जब प्रोसेस होती है अपने पेट में तब उसको उसमें भी न्यूट्रिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जैसे अबर स्टोमक कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे जो पेट होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन होता है ये हमें पता है क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं सेकेंड चैप्टर में सॉरी जब हम लोगों ने न्यूट्राइजेशन वो जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था न्यूट्रिय इन ए, एनिमल्स ठीक है तो तब हम लोगों ने पढ़ा था इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड क्योंकि ये, ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हमारे खाने को पचाने के लिए हेल्प करता है एज यू हैव लर्न इन चैप्टर नंबर टू जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर टू में पढ़ा था बट टू मच एसिड इन द स्ू मच इंडाइजेशन बट बहुत ज़्यादा मात्रा में जब एसिड हो जाता है पेट के अंदर तो इंडाइजेशन की प्रोसेस मतलब इंडाइजेशन को कॉज करता है और इंडाइजेशन होने लगता है मतलब बहुत ही ज़्यादा अपच होने लगती है पेट में और अजीब सी फीलिंग आती है सो समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल और कभी कभी इंडाइजेशन इतना बढ़ जाता है इतना ज़्यादा एसिड की मात्रा बढ़ जाती है पेट के अंदर कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हारण कारण पेट दर्द करने लगता है टू रिलीव इंडाइजेशन तो क्या होना है तो जब हम लोगों को अगर आराम लेना है इंडिजेशन से बचना है तो बी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैगनीजियम बच इज कंटेस मैगनीजियम हाइड्रोक्साइड तो अपने आप को इंडाइजेशन से बचाने के लिए हम लोग एक एंटासिड 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 का मतलब होता है एसिड के एंटी जो एसिड के खिलाफ हो एंटस के और एसिड के एंटीकॉन है बेस है। तो सिंपल सी बात है हम लोग एक बेस लेते हैं जो कि मिल्क ऑफ मैगनीजियम विच कंटेस्ट मैगनीजियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड जिसमें मैग्नीजियम और हाइड्रोक्साइड होता है तो हम लोग उसको लेते हैं तो जिससे क्या होता है इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड तो क्या होता है जब हम लोग एसिड में बेस मिला देते हैं तो न्यूट्राइजेशन की प्रोसेस होती है तो जिससे कि उसका जो एसिड का इफेक्ट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा जो कि नेचुरल नेचुरल था नेचुरल नेचुरल न्यूट्राइजेशन प्रोसेस को शो कर रहा था अब हम लोग पढ़ते एक और दूसरा एग्जाम्पल जैसे एंट वाइट जब एंट मतलब चीटी बाइट कर लेती काट लेती है हम लोगों को तो वैन एन एंट वाइट्स जब एक चीटी काट लेती है इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इंटू द स्किन तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी जो चीटी के स्ट्रिंग में फॉर्मिक एसिड होता है तो ये क्या करती है जब काटती है तो एक एसिड लिक्विड एसिड फॉर्म जो फॉर्मिक एसिड है उसको इंजेक्ट कर देती है बॉडी के अंदर द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रेलाइज बाई रविंग द मोस्ट मोइ्ट बेकिंग सोडा जैसे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और कैमिक कैलमलाइन कैम, सोल्यूशन बिच के अंदर जिंक कार्बोनेट तो क्या होता है जब वो अपना एसिड को जब इंजेक्ट कर देती है बॉडी के अंदर तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेस का यूज़ करते हैं और बेसिस के यहाँ पर नाम दे रखे हैं जैसे कि कैलमलाइन सोल्यूशन है जो, जो कि जिंक कार्बोनेट को कंटेन किया होता है और क्या बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी हम लोग रब कर सकते हैं अपनी बॉडी पर जहाँ पर चीटी ने काटा है जिससे कि जो एसिड का प्रभाव है जो इफेक्ट वो तो कम हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा या खत्म हो जाएगा जब हम लोग उसमें बेस रब करेंगे ठीक है अगला एग्जाम्पल है सॉइल ट्रीटमेंट सॉइल ट्रीटमेंट मतलब एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक जब हम लोग बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एस केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करते हैं सॉइल को एसिडिक बना देते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक नेचर की सॉइल हो जाती है प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन द सॉइल इज इफ सॉयल इज़ आइदर एसिडिक और टू बेसिक पर और क्या होता है प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते कब जब 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 जो धरती होती है जो सॉइल होती है जो मिट्टी होती है वो एसिडिक या तो ज़्यादा एसिडिक हो या ज़्यादा बेसिक हो मतलब प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत दिक्कत होती है अगर जब सॉइल या मिट्टी जो भी है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो या बहुत ज़्यादा बेसिक हो तो वैन द सॉल्यूशन इज़ टू एसिडिक जब सॉल्यू जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग लाइम दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो जब भी जो मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड की मात्रा होती है तो उसको ट्रीट किया जाता है क्विक लाइम के साथ दैट इज़ बेस जो कि बेस है क्विक लाइम एक बेस है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है और सिलेक्ट लाइम जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको ट्रीट किया जाता है दोनों के दोनों के दोनों बेसिक नेचर हैं तो क्या हो रहा है जो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक सॉयल थी उसमें जब हम लोग बेस मिला देंगे तो न्यूट्रेलाइज हो जाएगी न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो उससे अच्छे से प्लांट ग्रो कर पाएगा बट इफ़ द दॉयल इज़ बेसिक पर क्या हो सकता है कि सॉइल जो मिट्टी है वो बेसिक में भी तो बेसिक नेचर की भी तो हो सकती है बहुत ज़्यादा बेसिक हो ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट तो इसमें क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर जैसे कंपोस्ट बोलते हैं तो इसमें क्या होता है कंपोस्ट को ऐड किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर रिलीजिस एसिड बिच न्यूटिलाइज द बेसिस ऑफ द नेचर तो क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर या कंपोस्ट को एड किया जाता है जो एसिड को रिलीज करता है जो मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक जो सॉइल थी उसमें जब एसिड को रिलीज करेगा तो क्या होगा सॉइल फिर सेज़ हो जाएगी और आराम से प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे उस मिट्टी में ठीक है तो देखा था हम लोगों ने जब बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी तो उसमें क्विक लाइम वगैरह का यूज़ करेंगे और जब बहुत ज़्यादा बेसिक होगी तो उसमें कंपोस्ट का ऐड करेंगे कंपोस्ट एसिड को प्रोड्यूस करता है जिससे कि न्यूट्रलाइज हो जाती है सॉइल और हम लोग आराम से अपनी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं फैक्ट्री वेस्ट अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है फैक्ट्री वेस्ट द बेस्ट ऑफ फैक्ट्री बेस्ट, मैनी फैक्ट्रीज कंटेंस एसिड हमें पता है जो बेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा तो जो फैक्ट्रीज़ का जो बेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है एसिडिक नेचर का पानी होता है जो बेस्ट निकलता है बाहर जब इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इंटू द वाटर बॉडीज़ और हम लोग क्या करते हैं जो फैक्ट्रीज़ के पानी के होते हैं उनको वाटर बॉडीज़ यानी कि रिवर्स में उनको डाल देते हैं मतलब जो भी पानी वेस्ट मटीरियल निकल रहा होता है फैक्ट्रीज़ का उनको हम लोग नदियों में बहा देते हैं द एसिड विल किल फ़िशेज एंड अदर ऑर्गेनिज तो इससे क्या होता है जो एसिड है जो बहुत ही ज़्यादा गंद गंदा एसिड है उससे क्या होता है जो फ़िश होती हैं फिश जो मछलियाँ होती हैं नदी के अंदर और या अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नदी के अंदर या होते हैं तो वो भी मरने लगते हैं जो फै एसिड की वजह से तो द फैक्ट्री बेस्टेस आर देयर फोर न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिस सब्सटेंस तो जो जब फैक्ट्री का जो बेस्ट होता है उसमें बेस को ऐड कर दिया जाता है जिससे क्या होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसको फिर से पानी में छोड़ दिया जाता है जिससे कि कोई भी फिश या अदर ऑर्गेनिज्म को कोई खतरा नहीं होता है तो क्या होगा हम लोगों ने सब में इन सारे एक्से सारे एग्जाम्पल्स में हमने यही देखा कि न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एसिड और बेस को मिलाया जा रहा है जिससे कि दोनों के इफेक्ट को ख़त्म हो जाता है मतलब ना वो एसिड ही रहता है ना वो बेसिक रहता है न्यूट्रल हो जाता है ना वो अपना प्रभाव एसिडिक शो करता है ना अपना प्रभाव बेसिक शो करता है बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है तो इस चैप्टर हम लोगों ने यही देखा था कि क्या एसिड्स होते हैं क्या बेसिस होते हैं और क्या सॉल्ट्स होते हैं और क्या न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है और हम लोग आसपास अपने आसपास क्या क्या न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को देखते हैं तो ठीक है व्हाट डू यू हैव लंड एसिड आर सोर इन टेस्ट एसिड खट्टे होते हैं टेस्ट में जनरली द बेसिस आर बेटर टेस्ट और जो बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में एंड सोपी टू टच और उनको टच करने में सोपी फील होता है एसिड टन ब्लू लिटमस रेड जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं और बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं सब्सटेंस बिच आर नाइदर एसिडिक और न्यूर बेसिक आर सॉल्ट न्यूट्रल जो और सॉल्ट भी बोल सकते हैं उनको द सबस्टेंस दो जब, वो सबस्टेंसेज जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं तो वो सारे के सारे सब्सटेंस को हम लोग न्यूट्रल सबस्टेंस बोलते हैं या सॉल्ट भी बोल सकते हैं सॉल्यूशंस ऑफ दीज और सॉल्यूशंस ऑफ सबस्टेंस दैट शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर्स और दो सबस्टेंसेज जो एसिड बेस और बेस के साथ अपने डिफरेंट डिफरेंट कलर को शो करते हैं उनको हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही था इंडिकेटर्स क्या होते हैं एंड एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट और एसिड और बेस को मिलाने पर एक अपने आप को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं अपने आपके अपने इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको सॉल्ट बोलते हैं और वाटर वाटर भी होता है और इस सॉल्ट में भी एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर तो क्या होता है जो सॉल्ट बना है वो एसिडिक भी, भी, भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है न्यूट्रल इन नेचर ठीक है तो इस चैप्टर में हम लोगों ने यही सब सीखा तो आई होप आपको पसंद आया होगा थैंक यू